ये एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, मेडिकल जर्नल, पंजाब का एक मेडिकल जर्नल है, करंट मेडिकल जर्नल नॉट जोन अगस्त 2003। ये इन डॉक्टर्स की एक रिसर्च रिपोर्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक से देखा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इंसान के शरीर को एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से हानि पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में एक लेवल होता है पीएच लेवल, नॉर्मल होता है 7। 7 पीएच पे हमारा बॉडी ठीक से काम करता है। जब 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, तेजाबी बन जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय है। एवरेज पीएच जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है वो 3.4 है, 3.4। ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी है कि इससे हड्डियां और दांत इसमें घुल जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, और फिर उसमें जो हम लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, शेल्फ से उठा के तो पीते नहीं, सबसे ठंडा। जब बाजार से खरीदने भी जाते हैं तो वो जो फ्रीजर में सबसे ठंडा पड़ा हुआ वो देना, ठंडा मतलब कोका कोला वो देना, और इतने कम तापमान पे, सम टेम्परेचर समथिंग लाइक 0 डिग्री सेल्सियस के करीब जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, खाना सड़ने लगता है, फर्मेंटेशन होने लगती है। जब फर्मेंटेशन होने लगती है तो उससे कई बदबूदार गैसेस बनती हैं और कई तरह के टॉक्सिन बनते हैं, विषैले पदार्थ, और वो टॉक्सिन्स हमारे अंतरियों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरे खून के रास्ते पूरे शरीर में दौरा करते हैं और अलग अलग अंगों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उससे अलग अलग अंगों की बीमारियां होती हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जस्ट इमेजिन एक बच्चे की सॉफ्ट इंटेस्टाइन के ऊपर ये कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। जो इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पाए गए, डीडीटी, लिंडेन, क्लोरोपाइरिफॉस, मेलेथियन, वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं? डीडीटी एंड इट्स मेटाबोलाइट्स नर्वस सिस्टम को खराब करता है, नाड़ियों को खराब करता है, और प्रोबेबली शायद कैंसर पैदा करता है, प्रोबेबली कार्सिनोजन। लिंडेन ये एक नाड़ियों को पॉइजन है, लिंडेन, और बच्चे पैदा करने की ताकत को खराब करता है। और ये आज कुछ वर्ल्ड की रिपोर्ट्स हैं कि आज दुनिया भर में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, शायद ये भी कारण है इसका, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और लिंडेन से कैंसर होता है, इट इज ए नोन कार्सिनोजन, ये कैंसर पैदा करता है। क्लोरोपाइरिफॉस इट कॉजेज निमोनिया, और अगर और मसल पैरालिसिस, मांसपेशियों का लकवा, और अगर सांस की मसल पेशियों का, मांसपेशियों का लकवा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर। मेलाथियन ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है और इसकी हाई एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉस वॉकर, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने लगभग 12 साल सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर रिसर्च की कि उसका हमारे शरीर की सेल्स के ऊपर क्या असर हो रहा है, और उनकी 12 साल की रिसर्च की रिपोर्ट थी कि एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है नॉर्मली ये औरतों में होती है 50-55 साल की उम्र के बाद, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, पर डॉक्टर रॉस वॉकर की रिपोर्ट के मुताबिक आज ये ऑस्टियोपोरोसिस 20-25-30 साल की औरतों को ही नहीं, आदमियों को भी हो रहा है। और उनकी रिपोर्ट एक और चीज कहती है कि जो बच्चे रेगुलर तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनका हड्डियां टूटने का रेट 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों से जो नहीं पीते। और लास्ट में ये डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बावजूद आजकल सॉफ्ट ड्रिंक तो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि टीवी के ऊपर ये प्यास है बड़ी, ये दिल मांगे मोर। और लास्ट में ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है यू शुड ड्रिंक कोलाज ओनली इफ योर दिल मांगे मोर पेस्टिसाइड्स। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट।